नमस्कार, वेलकम टू स्प्रिंग बर्ड किचन। आज हम बनाएंगे बेहद स्वादिष्ट स्मूथ और सिल्की मलाई कोफ्ता, और इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी, आइए देखते हैं। चार पांच लहसुन की कलियां, दो प्याज, 13 से 14 काजू, एक छोटा टुकड़ा अदरक कटा हुआ, 4 टमाटर और इन सबको बड़ा बड़ा काट लिया है, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 तेज पत्ते, 4-5 लौंग, 2 से 3 हरी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 बड़ी इलायची, 150 ग्राम पनीर लिया है और इसे क्रश कर लिया है, 2 उबले हुए आलू, इन्हें हम मैश कर लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 20-25 किशमिश है और 8 से 10 काजू हैं, बारीक काट लिया है इन्हें, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच बटर, 2 से 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम या फिर आप मलाई भी ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच बटर डाल लेंगे और 1 बड़ा चम्मच तेल भी डाल लेंगे। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे दोनों को। अब इसमें सारे साबुत मसाले डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला के 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब 2 मिनट के बाद इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब 2 मिनट के बाद इसमें लहसुन, अदरक और काजू डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। 2-3 मिनट के बाद अब इसमें कटा हुआ टमाटर और सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2-3 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर हल्के से गल गए हैं। अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल देंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और अच्छे से मिला के, और अब इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। और तब तक हम कोफ्ते बना लेते हैं। आलू को मैश कर लिया है, अब इसमें क्रश करा हुआ पनीर डाल देंगे, कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल देंगे। और अब हाथों की सहायता से इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने हाथों को अच्छे से साफ कर लिया था और इसमें आप कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। और ये देखिए अच्छे से इसका एक डो बन जाएगा। अब हाथों को थोड़ा सा चिकना करेंगे और छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे इनके, थोड़ा सा इन्हें फ्लैट करेंगे और इसके अंदर काजू और किशमिश डाल देंगे और इसे ऐसे बंद कर देंगे और फिर से इसे गोल गोल ऐसे पेड़ा सा बना लेंगे इनका। और ये देखिए ये ऐसे ही सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। और इधर अब ग्रेवी भी तैयार हो गई है, अच्छे से टमाटर गल गए हैं, काजू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। और इधर तेल भी गर्म हो गया है, अब हम ये कोफ्ते इसमें डाल देंगे।
और कोफ्ते डालते टाइम आप ध्यान रखें कि आंच तेज ही रहे शुरुआत में, और एक दो मिनट के बाद आप आंच को मीडियम पे कर दें। और एक ही बार में सारे कोफ्ते इसमें ना डालें, थोड़े थोड़े करके कोफ्ते बनाएं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें तलेंगे। और ये देखिए, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें एक पेपर पे निकाल लेंगे। और अब बाकी के कोफ्ते भी ऐसे ही बना लेंगे। और ये सारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी, इसे मिक्सी में डाल के पीस लिया है, और अब मैंने इसे छलनी में डाल के इसे छान लेंगे, ताकि जो भी ये हमने साबुत मसाले डाले थे उनके जो रेशे बचे हुए हैं वो इसमें छलनी में अच्छे से छन जाएंगे। और छानने के बाद ये देखिए कितनी स्मूथ और सिल्की ये ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इसमें अब थोड़ा सा हम शहद डाल लेंगे। शहद की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं, और कसूरी मेथी डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें एक बॉयल आने देंगे, और अब लास्ट में इसमें हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे। फ्रेश क्रीम की जगह पे आप मलाई भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए कितनी स्मूथ और सिल्की ये ग्रेवी बनकर तैयार हुई है मलाई कोफ्ते के लिए। और ये आप ध्यान रखें कि अब आप कोफ्ते इसमें ना डालें, कोफ्ते एक प्लेट पे पहले रखेंगे, क्योंकि ये कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इन्हें ऐसे ग्रेवी में ना डालें, पहले इन्हें प्लेट पे रखें, और उसके बाद गरम गरम ग्रेवी इसके ऊपर डालेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से, और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। और ये लीजिए, बनकर तैयार है मलाई कोफ्ता। और अब आप भी इसे बनाइए और खाइए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।